अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम, और उसके अंदर हमने अभी जस्ट मॉडल की बात की थी कैसे हम सिग्मॉइड फंक्शन को यूज कर सकते हैं के फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ज़्यादा है कि आप क्लास जीरो से बिलोंग।
हैं थ्री केस देखे पॉइंट नाइन वैल्यू आई डी को इसका मतलब है अब 90% कॉन्फिडेंट है क्लास वन से वो आपने यूज केस नहीं देखे डेमोज नहीं बता दी इस तरह से वैल्यू आई है 0.25 तो अगेन आप इसके कॉन्फिडेंट है अगेन प्रॉबिलिटी है क्लास वन से डाउन कर देगी 25% लेकिन क्लास वन से जीरो से डाउन कर देगी 75% तो अगेन आप इसके कॉन्फिडेंट है जितना उससे दूर होंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप क्लास जीरो से डाउन कर देंगे क्लास सही है बात यहाँ पर यानी अब ये फंक्शन क्या है
यहाँ पे ये मीन स्क्वेयर फंक्शन, यानी कि ये जो मीन स्क्वेयर लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन है, अगर उसके अंदर हम इस वाले फंक्शन को यूज करते हैं, इसके बाद कॉस्ट क्या है, k इज इक्वल टू fx माइनस y फॉर इंस्टेंस।
अगर आप इस जगह पे आ गए, इस जगह पे यहाँ से रोटी बनी है, यहाँ से इस पॉइंट से रोटी बनी है जी, शाम सी हो यानी इस पर तीन के ड्रा करो तो तीन के इस तरह की लाइन ड्रा हो स्ट्रेट लाइन, तो जिस पे से रोके आए मतलब आप देख रहा मैं तो ये कहता हूँ रिसेंटली यूज कर रहा हूँ पर फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, तो यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू यू माइनस अल्फा पार्शियल ए और पार्शियल डब्ल्यू, ये स्लोप है हमारी, तो स्लोप की वैल्यू क्या रही है इस जगह पे, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा ये रहेगा, क्या मतलब इस जगह पे हम क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो, ठीक है, तो कांस्टेंट हो गए तो इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका क्या मतलब हुआ आप जो हमारे ग्लोबल मिनिमम उस पर ही हो, तो इसका मतलब है इसका क्या मतलब दिस इज द मैक्सिमम, अगर मैं ली स्क्वायर फंक्शन को ली स्क्वायर फैक्टर फंक्शन को हम यूज करते हैं इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम, तो दिस फंक्शन क्या बनती है, दिस फंक्शन बिकम अ नॉन कंटीन्यूअस दैट हैज मल्टीपल लोकल मिनिमम, हम ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, हो सकता है यहाँ स्ट्रक्चर कोई बात समझ आई, समझ आई बात, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप मी जो मी स्क्वायर फंक्शन है इसे आप ना यूज करें इस वाले केस के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर इन ऑर्डर टू फाइंड अ कॉस्ट, इसे यूज ना करें, ठीक है, तो किसी और फंक्शन को यूज करें, ठीक है जी, ये प्रॉब्लम ये है, क्या है ये फंक्शन मी स्क्वायर फंक्शन क्या बन जाता है इसका सिग्नि